जयपुर के सिद्धपुरा स्थित JECC में आज से 3 दिवसीय राजस्थान किसान महोत्सव शुरू हुआ है और पहले दिन प्रदेश में 42,000 पशुपालकों को लंपी रोग से उनकी गायों की मौत के बाद आर्थिक सहायता दी गई। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने दावा किया है कि राजस्थान ही ऐसी सहायता देने वाला पहला राज्य है। कटारिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता काशीराम चौधरी ने। 3 दिन के राजस्थान किसान महोत्सव का आज आगाज हुआ है और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 41,933 जो पशुपालक हैं जिनकी की गायों की डेथ हुई थी उनको आज लाभान्वित किया और उनके प्रत्येक के खाते में 40,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की है। हमारे साथ हैं कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, उनसे जानेंगे। सर, इस तरह की पहली बार पहल हुई किसी राज्य ने गौपालक जिनकी डेथ हुई थी गायों की उनको मुआवजा राशि दी है? देखिए, लंपी के अंदर मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा की थी कि लंपी के अंदर जिस गौ माता की मृत्यु हो गई उस परिवार को 40,000 रुपये उस गाय के दिए जाएंगे। लोगों का ये मानना था कि किस प्रकार देंगे, कैसे होगा, कई तरह की भ्रांतियाँ थी, पर आज जिस तरह से धरातल पे ये योजना उतरी है वो DBT के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में पैसा गया है और वहीं पे उनसे संवाद हुआ है। 3 मिनट बाद में ही लोगों से पूछा गया कि भाई आपके पैसे आ गए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पैसे आ गए। पशुपालकों की बात निकली है तो एक एम्बुलेंस योजना की बात हुई थी, आपने कहा था कि एम्बुलेंस भी जाएगी जो पशुओं को लेकर के आएगी, वो अभी तक धरातल पर नहीं उतरी? मुझे जैसा ध्यान है मेरे ख्याल से उसका कोई टेंडर वेंडर हो गया है, मेरे पास जो रिपोर्ट है संपूर्ण जानकारी तो मैंने, पर उसका टेंडर हो गया तो भारत सरकार का पैसा है, उसमें तो आना ही आना है। पर इसमें एक बात और कर दी इस बार बजट में कि मुख्यमंत्री जी ने MLA कोटे में अलाउ कर दिया किसानों को, जो लाभ मिल रहा है 12 मिशनों के जरिए उनमें किस तरह से लाभान्वित हो रहा है? देखिए, 12 मिशनों में मैंने बताया नहीं कि जैसे तारबंदी है, अब तारबंदी का एक फ़ायदा है कि जो बेसारा या आवारा पशु जो हैं वो खेत में जाते थे, किसान उनको लठ मारता था इधर से उधर, तारबंदी हो गई, वो सुरक्षित, वो भी अपनी जगह बैठे हैं, फसल भी सेफ है। मुख्यमंत्री जी एक सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं हमेशा और केंद्र सरकार से अपील भी करते हैं कि इस तरह का कानून भी बने बुजुर्गों के लिए और सोशल सिक्योरिटी मिले। किसानों के लिए केंद्र सरकार तो दे रही है 3,000 रुपये, कुछ राज्य सरकार भी इस तरह की प्लानिंग कर रही है? बताया ना, यही तो चीज़ें हैं भाई, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा में बराबर पैसा दे रहे हैं भारत सरकार के, जब ही तो किसान को कुछ मिल रहा है। इसी प्रकार जो 2,000 यूनिट बिजली फ्री है, ये कम बात थोड़ी है। आप ये माने कि कोई 20-30% लोग ही बचाओगे, नहीं तो इतनी बिजली खर्च नहीं होती। अब जो परिवार टूट गए जिनके पास जितनी जोत है और फिर घरेलू बिजली में 100 यूनिट फ्री कर दिया, तो ये सारी बातें हैं कि इससे तो कम थोड़ा थोड़ा करके घड़ा भरता है। तो जो किसान को ताकत मिलनी चाहिए, पशुओं की दवा फ्री है, चिरंजीवी में खुद कवर है, इधर लंपी में पैसा मिल रहा है, तो ये सारा कुल मिला के जा तो किसान परिवार में रहा जो गाँव में रहता। इस तरह से आज से 3 दिवसीय जो महोत्सव है वो शुरू हुआ है और अब अगले 2 दिन और किसान और विशेषज्ञ इसमें आपस में चर्चा करेंगे और नई कृषि तकनीकों से रूबरू हो सकेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।